नमस्कार, आज मैं और मेरे साथी एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें दो पक्षी चंटू और बंटू आपस में एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। आशा है कि आपको पसंद आया। नमस्कार, मेरा नाम बंटू है और मैं सरोली गांव में रहता था। मुझे यहाँ के निर्दयी राजा ने जबरदस्ती पकड़कर इस पिंजरे में डाल दिया है। आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं और इस पिंजरे में कैसे फंस गए? नमस्कार, मेरा नाम चंटू है और मैं एक दूर के राज्य से आता हूँ जिसका नाम ढोलकपुर है। मैं एक दिन उड़ रहा था, तभी मेरी नज़र एक सुंदर से बगीचे पर पड़ी। उस बगीचे में आम के पेड़ थे और उस पर बहुत रसीले आम लगे थे। मेरा मन करा कि मैं उनमें से एक आम खा लूँ। मैं जैसे ही बगीचे में आम के पेड़ पर बैठा, तभी मेरे ऊपर सिपाहियों ने जाल फेंक दिया। मैं फंस गया और मुझे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। ओह, तो आपको भी उस निर्दयी राजा ने पकड़कर यहाँ बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि हम मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं? पता नहीं, मुझे तो यहाँ से भागना मुश्किल ही लगता है। यहाँ बहुत से पहरेदार हम पर नज़र रख रहे हैं और अगर हम भागने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर से पकड़ लेंगे। तो अब हम क्या करें? हम अब पहरेदारों का इंतज़ार ही कर सकते हैं। जैसे ही अगर वो कोई यहाँ पर पहरेदार पास में आते हैं और वो इस पिंजरे को खोलते हैं तो हमारे पास भागने का एक मौका हो सकता है। अगर मैं इस राजा की जगह होता तो कभी किसी मासूम पक्षी को ऐसे बंद नहीं रखता। मैं तो कभी किसी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करता और दूसरों को प्रेरित करता कि वो पक्षियों को ना पकड़े बल्कि भूखे पक्षियों को चारा डाले। बहुत अच्छे विचार है आपके, लेकिन अब इस राजे को कौन समझाए कि मनुष्यों को पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए ना कि उन्हें कैद। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उनकी बहुत याद आती है। दुखी मत हो मित्र, हम मौका देखते ही यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही ये पहरेदार इस पिंजरे को खोलेंगे इसकी सफाई करने के लिए, हम यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे तुम्हारी योजना पर पूरा विश्वास है मित्र। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाता।